आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मेरे घर में खड़े होकर मेरे परिवार पे उंगली उठा रही हो कि इनमें से कोई मेरी जान लेना चाहता है, और तुम चाहते हो तुम्हारी छूट में मैं भरोसा करूं? Give me one good reason why should I believe you? क्यों करूं तुम्हारा यकीन? क्योंकि मेरी कहानी सच्ची है, इसलिए प्लीज यकीन कीजिए। सच के बारे में बात मत करना। जिस इंसान ने शुरुआत से अंत तक सिर्फ धोखे दिए ना, उसके मुंह से सच वो लफ्ज अच्छा नहीं लगता। इतने दिन तुम मेरे घर में रही, तुम्हें शर्म समझ के मैंने अपने दिल की हर एक बात तुम्हें बताई। तुमने क्या किया? मेरे जज्बातों का मजाक बनाया। You played with my damn feelings. मैंने कसम नहीं तोड़ी है, प्लीज यकीन मानिए मेरा। मैं इस घर में थी, पर मैं घूंघट डाल के इसीलिए थी ताकि कसम का मान रहे। मैंने नहीं तोड़ी आपकी कसम। शिता, तुम रमन से इस घर से दूर क्यों नहीं रहती? फेस बदल के हम सबको धोखा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये सब करके ना तुमने हद पार कर दिया शिता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरी बात की भी इज्जत नहीं रखी। मैं बेवकूफ हूं। कसम उसे दी जाती है जिसे कसम की कदर हो। तुम्हें तो किसी की कदर ही नहीं है। जाओ, आज मैं अपनी कसम वापस लेता हूं, तुम्हें अपनी कसम से मुक्त करता हूं। लेकिन एक बात ख्याल रखना, आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखना। पापा जी प्लीज, एक मिनट कोई बताएगा पापा कैसी कसम, और आपने इनको कसम क्यों दी थी? क्या हो रहा है इस घर में? कोई मुझे क्यों नहीं बताता बातें? रमन पुत्र, पुत्र मेरी जिंदगी में तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। आई अंडरस्टैंड पापा। पुत्र, मुझे लगा था कि जब जब इशिता तेरे सामने आती है तुझे किसी ना किसी तरह की तकलीफ शुरू हो जाती है, तू मुसीबत में आ जाता है। पुत्र, मैं तेरी तकलीफ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे कसम दी थी। तेरी बिजनेस पार्टनर है, वो को उसके साथ लगाव है, उसे कैसे दूर रख पाता, इसलिए मैंने उसे ये कसम दी थी। लेकिन इसने तो ये सब करके हद ही पार कर दी। एक मिनट बाद। So, you want to explain this? है कोई सफाई? कोई रीजनिंग है तुम्हारे पास इन बातों का? मैंने ये सब आपके लिए किया। अच्छा, कैसे? मुझे इस घर में भेस बदल के आना पड़ा क्योंकि पता नहीं आप यकीन करें या ना करें, पर आपकी जान को खतरा है, वो भी आप ही के घर के एक सदस्य से। तुम्हें अपनी बातें सुनाई देती है कभी? मुझे मेरे परिवार में से कोई मारना चाहता है, हाँ? तो ठीक है, बताओ कौन मारना चाहता है? मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास अभी मुझे पता है पर पक्का सबूत नहीं है, और इसीलिए मैं इस घर में रह रही थी। मैं वैसे तो आ नहीं सकती थी क्योंकि कसम थी, उसका मान रखना था, इसलिए मुझे शन्नू बनकर आना पड़ा ताकि आपकी रक्षा भी कर सकूं और कसम भी बनी रहे। नो, जस्ट शट अप। मेरे घर में खड़े होकर मेरे परिवार पे उंगली उठा रही हो कि इनमें से कोई मेरी जान लेना चाहता है, और तुम चाहते हो तुम्हारी छूट में मैं भरोसा करूं? Give me one good reason why should I believe you? क्यों करूं तुम्हारा यकीन? क्योंकि मेरी कहानी सच्ची है, इसलिए प्लीज यकीन कीजिए। बारे में बात मत करना। जिस इंसान ने शुरुआत से अंत तक सिर्फ धोखे दिए ना, उसके मुंह से सच वो लफ्ज अच्छा नहीं लगता। इतने दिन तुम मेरे घर में रही, तुम्हें शर्म समझ के मैंने अपने दिल की हर एक बात तुम्हें बताई। तुमने क्या किया? मेरे जज्बातों का मजाक बनाया। You played with my damn feelings. यहां तक कि अशोक के घर तक पहुंच के मैं तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वहां भी तुमने अपना खेल चालू रखा।
कि मैं आपको अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पीठ पीछे तुम हंस रही होगी मेरी लाचारी पर कि किस किस्म का बेवकूफ इंसान है ये। गलती होगी तो प्यारे पास खींचा चला रहा था लेकिन आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अब मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई। चुप। और पापा की बात अगर नहीं सुनाई है तो मेरे मुंह से दोबारा सुनो। इस घर में तुम्हारा कदम आता कदम आता कदम आउट 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 आउट। आंटी प्लीज अब मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। आंटी प्लीज अब मुझे छोड़ के मत जाओ। चलो पियू पियू प्लीज अंदर जाओ। नहीं मुझे नहीं जाना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज अंदर जाओ। प्लीज मुझे डर लगता है अकेले। प्लीज आंटी आप मुझे छोड़ के मत जाओ। चलो नहीं मुझे नहीं जाना। पियू इनफ। यन्ना ईशु शन्नू है और उसने तो हमको कभी कुछ बताया नहीं। विश्वा अयो मुरा ये सब कुछ रमन के लिए कर रही है और रमन कभी कुछ नहीं समझ पाएगा। हाउ डू यू लिव विद योरसेल्फ। मेरी मासूम सी बच्ची को धोखा दे रही है। एक तरफ ये जता रही है कि तुम्हें उसकी बहुत परवाह है लेकिन जबकि तुम्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है ना उसकी ना मेरी ना इस परिवार की। किस्म की बेगर बेशरम तो गेट आउट ऑफ माय हाउस। इससे पहले कि मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूं ना निकल जाना से। यू नो व्हाट इश्ता आई हेट माय सेल्फ फॉर डूइंग दिस लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूं। प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए आप। आउट ऑफ माय हाउस प्लीज। आउट ऑफ माय हाउस। मैं यहाँ किसी आउट रुका। छोड़ो मेरी बेटी को। ये मेरी बेटी है और ये इमोशनल फूल है। इसको बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है इसलिए ये सब रमन इसने तुम्हारे लिए किया है। पर तुम अब मैं इसे एक पल भी इधर रहने नहीं दूंगी। इसका और इंसल्ट नहीं होना चाहिए। चलो अम्मा क्यों करती हो ये सब इन लोगों के लिए। देखा इसका रिजल्ट देखा। इधर कोई नहीं है तुम्हारा साथ देने वाला। कोई नहीं है। अम्मा अम्मा मैं ऐसे जा नहीं सकती और समझो तो मेरी बात अम्मा। चलो घर चलो। तू समझो अम्मा क्यों मुझे खींच के ले जा रही हो। आप तो कुछ बोलो। आपको पता है मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया बाबा जी की कसम की। मैंने जो किया रमन के लिए किया था अम्मा। प्लीज आप तो बोलो। ये शो आपको नहीं समझेंगे करना। उनके सेंस बंद हो गए। अब हम ये शक्ल क्यों ऐसा कर रही हो तुम। कितना सहोगी क्योंकि सब मेरे अगेंस्ट हो गए। सब लोग को लग रहा है कि मैंने रमन को बताओ मैंने जो किया उनके लिए किया था। प्लीज बताओ एक बार तो बोलने जाती है जो सच है वो जान चुका हूं। अच्छा तुम मेरी दोस्त थी। I trusted you. और तुमने इसका साथ दिया इसके ड्रामे में। You know what? After this, I don't think I can believe you either. लेकिन इसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी बस। ये लो अपना सामान और निकलो यहां से। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुझे। आज के बाद मेरे घर में कदम भी मत रखना। और अगर मेरे भाई के आसपास भी दिखिए ना तो मैं तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। बस बोल दो क्या? क्या हो गया आपको यार? ऐसा क्या गुनाह कर दिया शेरजी जो इतना बोले जा रही हो? तो चमचा है ना? तुम चमची हो सबकी समझी? और तुम तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती यार। बीवी बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे तुम्हें। रिश्ते नाते क्या होते सब भूल गई हो तुम। शट अप रोमी। रिश्तों की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा।
एंड डोंट टॉक टू मी लाइक दैट. मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं. यार वो हक तुम खो चुकी हो. बीवी बनोगी? ये देख रही ये जो हो रहा है ना मेरे घर में, इस सब का कारण आपकी ये बेटी है. इसे ले जाइए अपने घर, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी आज. लग रहा है कि तुम जीत गई ना. इतना गहरा घाव दिया है तुमने मुझे. ऐसा वार करूंगी ना मैं तुम पे कि तुम बिखर जाओगी टूट के. अरे जा अपनी झूठी धमकी अपने पास रख. क्या तगड़ा गेम खेला तूने. शन्नो दी ग्रेट का पर्दा फाश. टू एंजॉय मोर सच अमेजिंग वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.